हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट की, जी हां दोस्तों अनुभार की, क्योंकि इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो आपसे बड़ा यौगिक का अनुभार पूछे या छोटा यौगिक का अनुभार पूछे, लेकिन पूछता जरूर है। तो बने रहिएगा पूरे सेशन में। आज के बाद से आप चाहे वो बड़ा यौगिक हो या छोटा यौगिक हो, उसके अनुभार को आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे और वो भी आप 2 से 3 मिनट के अंदर। तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट हम लोग क्या गेन कर पाते हैं। दोस्तों, किसी भी यौगिक का अनुभार निकालने से पहले हमको ये जानना होगा कि अनुभार जो है होता क्या है, अनुभार का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। क्योंकि एक चीज तो फिक्स है कि अनुभार जब भी निकाला जाएगा तो वो किसी न किसी यौगिक का निकाला जाएगा, और परमाणु भार जब भी निकाला जाएगा तो वो किसी न किसी तत्व का निकाला जाएगा, परमाणु का निकाला जाएगा। और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है, तो यौगिक में तो अणु उपस्थित होता है, इसीलिए हम लोग यौगिक का अनुभार निकालते हैं। और तत्व में परमाणु उपस्थित होता है, इसीलिए हम लोग तत्व का परमाणु भार याद रखते हैं। तो अनुभार को हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी यौगिक में उपस्थित उपस्थित तत्वों का नहीं, यहां पे के लिख लीजिए, तत्वों के परमाणु भार का कुल योग होता है। ध्यान दीजिएगा इसके डेफिनेशन पे, बिल्कुल आसानी से सारा अनुभार आपसे बनेगा आज के बाद से। मैंने क्या लिखा कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु भार का कुल योग, जितना भी तत्व किसी भी यौगिक में उपस्थित होगा उस सारे तत्व का जो परमाणु भार होगा उसको हम टोटल कर देंगे तो हमको उस यौगिक का अनुभार निकल जाएगा। दोस्तों, इस डेफिनेशन से आपको 2 चीज़ क्लियर होता है। पहला क्या, तो अनुभार जब भी निकलेगा तो किसी न किसी यौगिक का निकलेगा, और दूसरा क्या कि अनुभार जब निकलेगा तो उसमें हम करेंगे क्या, तो उस यौगिक में जो परमाणु होंगे उपस्थित उसके सारे परमाणु के भार का योग करेंगे। अब कहेंगे आप कैसे करेंगे, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल, H2O की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं, H2O की। अब दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु संख्या होता है 1, और आपके वाटर में, इसको हम लोग जल बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, आपके वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, H2 लिखा हुआ है यहाँ पे, और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 एटम है। तो अब हम लोग इसका अनुभार कैसे निकालेंगे। दोस्तों, हमने आपको बताया कि इसके जितने भी परमाणु होंगे उसके परमाणु भार का आप योग कर देंगे। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो 1 × 2, 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है और 2 परमाणु हैं, तो 1 × 2, हमने बोला सारे परमाणु का कुल योग करना है। ध्यान दीजिएगा, सारे परमाणु का कुल योग मतलब यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन परमाणु का जितना भार होगा, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, आप यहाँ पे 16 लिख दीजिए। अब इसको 1 × 2 और प्लस 16 और 2 कितना हो गया आपका, 18 हो गया। कितना हो गया आपका, 18 हो गया। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी यौगिक का अनुभार निकालने के लिए हमको तत्वों का परमाणु भार याद होना चाहिए। जनरली अब ये तो किसी को याद रहता नहीं है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा, इसका तरीका है, इस पर और भी बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा परमाणु भार की बात कर लेते हैं कि आपको कैसे याद करना होगा। दोस्तों, आपको हर एक बुक में मिल जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से सीरियली करके 20 तक आपको मिलेगा। आपको याद कैसे रखना है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान संख्या 1 होता है, हीलियम परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4, लिथियम परमाणु संख्या 3, द्रव्यमान संख्या 7, बेरिलियम परमाणु संख्या 4 और इसका परमाणु भार कितना, 8, बोरोन इसका परमाणु संख्या 5 और इसका परमाणु भार 11, कार्बन परमाणु संख्या 6
इसका परमाणु भार 12, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 और इसका परमाणु भार 14। अब आप कहेंगे ये तो बुक में लिखा हुआ रहता है, तो आप अपने माइंड में इसको सेट कैसे कर सकते हैं। हाइड्रोजन 1-1, हीलियम 2-4, लिथियम 3-7, बेरिलियम 4-9, बोरोन 5-11, कार्बन 6-12, नाइट्रोजन 7-14, ऑक्सीजन 8-16, फ्लोरीन 9-19, नियॉन 10-20, सोडियम 11-23, मैग्नीशियम 12-24। दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, परमाणु भार लगभग में उसके परमाणु संख्या का 2 गुना होते जाता है। परमाणु भार क्या हो रहा है, लगभग में उसके परमाणु संख्या का 2 गुना होते जाता है। तो अगर हमको सीरियली से 1 से लेकर 20 तक का तत्वों के परमाणु संख्या याद रहते हैं तो आप उसके परमाणु भार को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अपने माइंड में, क्योंकि लगभग में 2 गुना होता है। कुछ एकाध एक्सेप्शन है जिसका अलग हो जाता है, जैसे कि क्लोरीन 17-35.5 लिखते हैं, लेकिन आप अगर करेंगे तो क्लोरीन 17-34 आपको, क्योंकि आप कहेंगे सर परमाणु भार परमाणु संख्या का आप 2 गुना बता रहे हैं, तो कुछ केसेस में आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन आप बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में आ जाएगा और आप आसानी से बना लेंगे। मतलब ये हुआ यौगिकों के अनुभार को निकालने के लिए आपको तत्वों का परमाणु भार याद होना ज़रूरी है, और परमाणु भार अगर याद रहेगा तो हम लोग बनाएंगे कैसे, उस यौगिक में जितने भी तत्व उपस्थित होंगे उन सारे के परमाणु भार का क्या कर देंगे हम लोग, योग कर देंगे। क्या कर देंगे, योग कर देंगे, जैसे अभी हमने इसका किया। आप कहेंगे सर ये तो एक छोटा सा एग्जांपल आपने बताया, इस पे और सारा एग्जांपल बड़ा बड़ा यौगिक का कैसे हो सकता है। तो आइए इस पे हम लोग 2-4 नहीं 10 एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अनुभार कैसे निकाला जाता है, फिर आज के बाद से आपको अनुभार निकालने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आइए दोस्तों अब हम लोग अनुभार निकालने के लिए कुछ यौगिक के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आप इन सारे का अभी कैलकुलेशन करेंगे मेरे साथ। यकीन मानिए अगर आपने इन सारे को अभी कर लिया तो फिर अभी के बाद से आपको किसी भी केमिकल कंपाउंड के, किसी भी रासायनिक यौगिक के अनुभार निकालने में कोई दिक्कत और परेशानी आने वाली नहीं है। आइए हम लोग बात करते पहले HCl से। दोस्तों आपको पता है कि HCl जो है आपका, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब हमको निकालना क्या है इसका, तो अनुभार निकालना है। हाइड्रोजन का परमाणु भार यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है, और क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, अभी जस्ट आपने देखा था 35.5। हमने बोला अनुभार निकालने के लिए यौगिक में जो तत्व उपस्थित हैं उसके परमाणु भार को जोड़ दीजिए, तो 1+35.5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 36.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36.5, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप AMU भी लगा सकते हैं, इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, करेंगे हम लोग इसकी चर्चा भी मूल कंसेप्ट वाले टॉपिक में। और यहाँ पे आप 36.5 में ग्राम लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा यौगिक का अनुभार ग्राम में और यौगिक का अनुभार एटॉमिक मास यूनिट में, तो ये आपका एक नया चीज होता है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं D2O की। दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम में इस अनुभार पूछा गया है आपसे, इसको हम लोग भारी जल भी कहते हैं। तो D2O यहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ये क्या होता है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और ये जो ड्यूटेरियम है आपको पता है कि ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ये हाइड्रोजन के क्या हैं, समस्थानिक हैं। कैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, H12, ठीक है, H1 आपका, सॉरी H11 पहला, इसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, दूसरा H12 इसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं, और H13 इसको हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं। दोस्तों ये कहने का मतलब ये है मेरा कि जो आपका ड्यूटेरियम है इसका परमाणु संख्या तो जरूर 1 है, लेकिन परमाणु भार कितना है आपका, 2 है। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम का 1 परमाणु का भार कितना होता है, 2 होता है, 2 परमाणु है तो 2×2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो दोस्तों इसका कितना हो जाएगा 2×2=4, और 16 और 4 कितना हो गया आपका 20 हो जाएगा, इसका अनुभार हो जाएगा। बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इसको वन लाइनर के रूप में याद भी करते हैं, भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो 20 होता है। इसी में AMU लगा देंगे तो एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा, और ग्राम लगा देंगे तो यौगिक का अनुभार ग्राम में हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है दोस्तों, तो 12 होता है। आपका ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, तो 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो ये 16×2 हो जाएगा, तो 12+16 = 32, आपका 2 और 2 4, और ये कितना हो गया 3
तीन और एक चार, मतलब CO2 का जो अनुभार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 44 ग्राम या 44 AMU। अब बात कर लेते हैं दोस्तों H2SO4 की। मैं आपको इतना सारा एग्जांपल इसलिए करवाने वाला हूँ ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी कोई भी आपका केमिकल कंपाउंड आए आप उसको आसानी से बनाएं। अब नेक्स्ट बात करते हैं H2SO4 की। दोस्तों इसका भी आपसे कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, तो वन, तो वन इसके दो परमाणु हैं यहाँ पे, तो वन इंटू टू लिख दिए। सल्फर है आपका, तो सल्फर का आपका पता होना चाहिए कि सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, तो परमाणु भार 32 हो जाएगा, तो 16 दूना 32। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है आपका, 16, यहाँ पे चार मॉलिक्यूल्स हैं, तो 16 चौका 64। अब आप इसको जोड़िए, 1 2 2 प्लस 32 और ये 64। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 16 गुना 4 किए हैं तो ये आपका 64 आया है। तो इसको जोड़ते हैं अब हम, 4 2 6 2 8 और 6 3 9 98 AMU। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं C6H12O6 की। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। अब इसका अनुभार कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा C6H12O6 यहाँ पे है, कार्बन का एक परमाणु का भार कितना होता है, 12, तो 12 गुना 6 क्योंकि कार्बन के 6 परमाणु हैं। हाइड्रोजन का एक परमाणु का भार कितना, 1, यहाँ पे कितना है, तो 12 परमाणु है, तो 1 गुना 12। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना, 16, यहाँ पे 6 परमाणु है, तो 16 गुना 6, अब सबको गुना कीजिए, बरछा के 72, 12 एकम 12 और 16 छा के 96, 6 2 8 2 10, यहाँ पे 10 का 0 लिख दीजिए, 1 कैरी हुआ, 9 1 10 और 10 7 17 और 1 कितना हो गया आपका 18, मतलब जो आपका ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 180 ग्राम या आप 180 AMU कह सकते हैं। आइए C12H22O11 का हम लोग बात कर लें। तो अब C12H22O11 का जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कहेंगे सर C12H22O11 मतलब कार्बन का कितना है, 12, एक परमाणु का द्रव्यमान, टोटल इसमें परमाणु कितने हैं, 12, तो 12 प्लस 12। हाइड्रोजन का एक परमाणु का भार कितना, 1, कितना है परमाणु, 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना, 16 होता है और यहाँ पे कितना है 11 है। अब आप इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, बराबर है 144 और 12 एकम 12 और 16 को 11 से गुना करेंगे और सबको जोड़ देंगे। दोस्तों इतना सारा से आपके माइंड में ये चीज़ तो ज़रूर आ गया होगा कि अब आपको इस तरह के जितने भी कंपाउंड मिलेंगे आप उसका अनुभार आसानी से निकाल सकते हैं। और जनरली याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में इससे लो लेवल का ही केमिकल कंपाउंड होगा जिसका अनुभार निकालना होगा। यहाँ तक तो आप आसानी से बना लेंगे, मे बी आप CH4 का भी बना लेंगे। अगर आप सीख गए हैं तो बना के CH4 का जरूर कमेंट कीजिएगा। अब बात आती है कि सर ये जो है MgOH2 इसका कैसे बनाएंगे, Al2SO4 3 इसका कैसे बनाएंगे, CaOH2 इसका कैसे बनाएंगे। अब कहेंगे सर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का आप नहीं बताएं, तो इतना बड़ा बड़ा बना दिए आपसे ये तीनों नहीं बनेगा। आपसे ये तीनों होमवर्क में मैं दे रहा हूँ कि आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर CH4 का अनुभार ये है और CaCO3 का अनुभार ये है और NaCl का अनुभार ये है। इससे क्या होगा कि हमको भी मन लगेगा कि हाँ चलो हमने बताया तो आप लोग सीखे। अब हम लोग बात कर लेते कि सर MgOH2 का कैसे निकाले, इसका कैसे निकाले और इसका कैसे निकाले, उससे पहले इसको क्लीन कर देते। आइए दोस्तों अब इसका भी देख लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस वही सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा एक जरा सा बात ख्याल रखना है, क्या कि MgOH2 यहां पे लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसके एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा, तो 12 2 24 क्योंकि हमने आपको बताया कि परमाणु संख्या को 2 गुना कर दीजिएगा तो उस तत्व का परमाणु भार आपको पता हो जाएगा। आपका जो मैग्नीशियम है इसका परमाणु भार कितना होता है, 24। अब यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट में होल टू लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते क्या है, MgOH2 मतलब OH का होल टू, तो OH का जितना परमाणु भार होगा उसका 2 गुना इसमें जुटेगा तब जा करके MgOH2 का
कि अनुभार निकलेगा। सुनिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि ये Mg का तो परमाणु भार 24 होता है, आप इसको OH होल 2 पढ़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि OH का जो अनुभार होगा उसका दो गुना Mg में जोड़ देंगे, MgOH होल 2 का कुल अनुभार निकल जाएगा, वही करेंगे जो बोले हैं। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ब्रैकेट में ही अभी लेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, आप कहेंगे सर 16। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, आप कहेंगे सर 1, और इसका दो गुना है ना, तो वैसे ही लिख दीजिए ना, 24 16 एक 17, और 17 को आप दो बार कीजिएगा ना, मतलब क्या OH होल 2 है, तो ये 17 गुना 2। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं कि सर 17 गुना 17 हो जाएगा क्या, U वाला स्क्वायर नहीं है, 2 पे पावर 2 का स्क्वायर नहीं है कि 2 को 2 से गुना करना है, यहाँ पे ये दर्शा रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों से मिल करके जो हाइड्रोक्साइड बना है उसके हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो हाइड्रोक्साइड बना हुआ है उस हाइड्रोक्साइड का कितना मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो दो मॉलिक्यूल्स चाहिए, किस लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका होता है 16 एक 17 हाइड्रोक्साइड का अनुभार, तो 16 एक 17 गुना 2, तो 17 दुना 34 कितना हो गया, 4 4 8, और आपका 3 2 5, ये कितना हो गया आपका 58 AMU कहिए, या आप इसको 58 ग्राम कहिए। तो ये हम लोग बात कर लेते हैं Al2SO4 होल 3 का, इसका कैसे निकालेंगे, देखिए इसका भी बस यही प्रोसेस करेंगे, आपको यहाँ पे है Al2SO4 का होल 3, तो एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का 13 परमाणु संख्या होता है, परमाणु भार 27 होता है, तो भैया 27 गुना 2। अब प्लस सल्फेट SO4, सल्फेट के कितने अणु चाहिए Al2SO4 होल 3 बनाने में, तो 3 चाहिए, कितने चाहिए 3, तो सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर भार होगा, जो पर उसका अनुभार होगा उसको 3 से गुना करेंगे, फिर उसको इसके साथ जोड़ेंगे। आइए देखते हैं सल्फेट का हम लोग निकालें पहले, तो सल्फर का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 32, ऑक्सीजन का कितना, तो 64 काहे, तो 16 होता है परमाणु भार किसका, ऑक्सीजन का, यहाँ पे 4 गो है, तो 16 चौका 64, तो 64 यहाँ पे लिख दिए, अब यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 27 दुना कितना हो जाएगा 54, 4 और 2 कितना हो गया आपका 6, 6 और 3 कितना हो गया 96, इसको आप क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, 54 प्लस 6 18 और 9 27, 1 कितना हो जाएगा आपका 28, 8 4 12 का 2 और 8 5 13 एक 14 और 2 1 3, ये कितना हो जाएगा आपका 342 ग्राम या 342 AMU आप कह सकते हैं इसको दोस्तों। नेक्स्ट और हम लोग एक बात कर लेते हैं किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कैल्शियम CaOH होल 2, फिर वही बात, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, परमाणु संख्या कितना होता है 20, तो 20 का दो गुना कर दिए 40, और यहाँ पे वही वाला बात OH का आप यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, हाइड्रोक्सिल समूह का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 16 एक 17, OH यहाँ भी है तो 16 एक 17, ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का 1, तो 16 एक 17 और 17 गुना यहाँ पे 2, क्यों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम के एक परमाणु और हाइड्रोक्साइड के दो अणु की जरूरत होती है, तो आपका 40 प्लस 17 गुना 34, ये दोनों को जोड़ दीजिए, आपका हो गया 74 ग्राम में लिख दीजिए या AMU में लिख दीजिए, आपको आपका ये बन जाएगा, या किसी भी तरह से आप लिखेंगे आपका आंसर सही होगा, या तो आप इसको ग्राम में लिखिए या फिर आप इसको AMU में लिखिए। तो क्या लगता है आपको, ये है ना बिल्कुल आसान बनाना, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप बनाना सीख गए होंगे। अगर आप बनाना सीख गए तो CH4 और फिर आपका CaCO3 और NaCl, इसका आप अनुभार निकाल के कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।